सो गाइस इट्स अनदर डे एट स्कूल। आज शायद 17 या 18th ब्लॉग चल रहा है मेरा, मुझे भी याद नहीं रहा। मैं तो रोज़ पोस्ट कर देता हूँ लिख कर शेड्यूल करके, पता नहीं कौन सा ब्लॉग चल रहा है। आज देखते हैं क्या टास्क है। ये देखो, ये सारी ना मेरी क्रिएटिविटी है। साइंस ब्लॉग ग्रेट, ये रॉकेट अब्दुल कलाम, ये मून और ये छोटा सा एस्ट्रोनॉट। बच्चों ने फाड़ दिया, ये थोड़ा सा ऐसा कर दिया। बहुत मेहनत से बनाया था मैंने, बहुत आइडिया लगा के। गाइज अभी मैं स्कूल में हूँ और मैं वर्क ही कर रहा था। अभी मुझे बोला है मेरे फ्रेंड का कि तेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। भाई साहब मैं यहाँ पे चिल्ला नहीं सकता, ठीक है। अभी मैं थोड़ा ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ, तो मैं ऑफिस का वर्क कर रहा हूँ, फिर घर जाके करते पार्टी। आज तो पार्टी होगी। तो गाइज नाउ इट इज सेलिब्रेशन टाइम। कॉन्ग्रेचुलेशन बोल जल्दी। तो गाइस फिर मैं लाइन्स मार दिया, वहाँ से मैंने लिया स्नीकर्स का एक बॉक्स। तो गाइस अब चलते हैं और ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों। ये ना मेरे को करना था, पता है क्यों? बिकॉज मैं पार्टी भी कर रहा था अभी, आज ही पार्टी कर लेता, लेकिन उससे होता क्या, सिर्फ मुझे खुशी मिलती ना। लेकिन ये करने से पता है क्या, बच्चों की जो मैंने स्माइल देखी जो फेस पे, वो जो देखा ना, उसकी खुशी की अलग बात है। पार्टी तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसकी अलग ही बात थी, जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और एक पीस ऑफ माइंड जो मिलती है उससे, बहुत खुशी मिल रही थी सच में। जिस जिस बच्चे के पास भी गया ना, उस बच्चे ने स्माइल किया एंड मुझे थैंक यू भी तक बोल भी बोला है बहुत। तो गाइस पता है डब्बा ना पूरा खाली हो चुका है, बस अब इतनी सी चॉकलेट बची है, 2-3। तो गाइस अब ये बची हुई चॉकलेट्स भी बांट देते हैं बच्चों में, बहुत खुशी मिल रही है मतलब पता ही करते हुए। बट सडनली फिर मैंने मेरे दोस्तों की तरफ देखा, यार ये भी तो दो मासूम बेचारे गरीब बच्चे हैं, काफी देर से मेरे को टॉफीज की तरफ देख रहे थे, तो मैंने सोचा एक ये भी ले ले। बट मैं भूल गया था, एक गरीब ही नहीं है ये, तो साले भूखे भी हैं। देख रहे हो, 3-3 चॉकलेट्स ले ली इसने। तो गाइस फाइनली डब्बा हो गया खाली पूरा, अब इसको फेंक देंगे, नहीं रोड पे नहीं फेंकेंगे, डिस्पोज करेंगे। हाँ बोल। हैप्पी मंकी। गाइस ये दोनों इतने गरीब है, देख रहे हो तुम। एंड मैंने शॉप से ना कुछ चने भी लिए थे जो मैंने इन जानवरों के लिए लिए थे, ताकि इन बंदरों को खिला सकूं, क्योंकि यार ये जो कर्णेश्वर जो जगह है ना जस्ट मेरे घर के पास, और मैं यहाँ पे कई बार आता जाता रहता हूँ, तो इनको कौन खिलाएगा यार। इंसानों के लिए, इंसानों का पेट भरने के लिए लोग हैं, वो खुद का पेट भर सकते हैं, इनका पेट भरने के लिए कोई नहीं है। इंसानों को जब भूख लगती है तो मुंह से मांग सकते हैं, लेकिन इनके पास। दिस इज हाउ आई सेलिब्रेटेड माई 1000 सब्सक्राइबर्स सेलिब्रेशन हैप्पीनेस। तुम लिटरली देख सकते हो कि मैं ये करते हुए कितना ज्यादा खुश था, मेरे चेहरे पर जो स्माइल दिख रही थी, जो ग्लो आ रहा था। कि जब भी 1K हो जाएंगे ना, तो मैं यहाँ तो जरूर आऊंगा, बिकॉज इस जगह से ना बहुत मेमोरीज जुड़ी है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे घर के पास है, और जब भी मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए होती थी या कोई भी आइडिया चाहिए होता था ना, मैं यहीं आता था जंगल में, शोएब और मेरे दोस्त अभय के साथ। तो ये जो जगह है ना, इससे तो मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। हाँ बहुत पुरानी। तो गाइस दिस जर्नी वॉज रियली हार्ड, बट फाइनली आई अचीव्ड। और अभी तो ये सिर्फ एक स्टेप है जो मैंने लिया है, अभी तो मुझे बहुत लंबा जाना है। बस इस जगह पे इसलिए आना था मुझे, क्योंकि तुमने मेरी फोटोज़ में देखे होंगे, मेरी स्टोरीज़ में देखे होंगे ज़्यादातर, कि मैं यहीं आता हूँ जब भी मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए होती, क्योंकि यहाँ बिल्कुल हमारे घर के पास है और ये जंगल है, तो इन जानवरों से भी एक कनेक्शन है पुराना। क्योंकि तो एक स्टेप तो ले लिया हमने 1K का, अब मैं सीधा टारगेट बनाऊँगा 5K का। तो अब 5K हो जाए, और अभी जो आगे ना आने वाले टाइम में ना, काफ़ी ज़्यादा मैं प्रोजेक्ट्स लाने वाला हूँ, बहुत सारी वीडियोस लाने वाली। बस अगर तुम सपोर्ट करते रहोगे ना, तुम मुझे बस सपोर्ट करते रहो, हम छुएंगे भाई, आसमान जरूर छुएंगे। बस तुम एक बार तुम ना सपोर्ट बनाए रखना, और मेरी आने वाली वीडियो, जो कल जो वीडियो आने वाली है, और जो कुछ जो पर्टिकुलर जो वीडियोज़ आने वाली कुछ दिन में इस डेली ब्लॉग सीरीज़ में, तो उस उन्हें ज़रूर देखना। मैं तुम्हें एक जर्नी बताने वाला हूँ मेरी, कि मैं 0 to 1000 कैसे आया, और उसके बीच हमें क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आई थी, और कितनी ज़्यादा मैंने चीज़ें फेस की थी। तो बस बने रहना साथ, अभी बहुत आगे जाना है।
तो गाइस तुम सब इसको तो जानते ही हो, अभय शर्मा जो मेरे सारे फोटोज लेता है और सारी वीडियोग्राफी करता है, तो तुम इससे ज़्यादातर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना वो इसको अच्छे से जानते हैं, और इन्होंने उसने इसकी फोटोग्राफी भी देख रखी है अच्छे से। और सच कह रहा हूँ मैं, लाइफ में अगर तुम्हारे पास सही बंदे हैं ना, जो दोस्त है ना तुम्हारे, वो सही चुनना, क्योंकि मुझे पता है सही दोस्तों की अहमियत क्या होती है। और लिटरली अब मैं समझाऊँ कि हाँ असली दोस्त क्या होता है, असली दोस्त वो नहीं है जो सिर्फ हंसने पे साथ दे, जो रोने में भी, जब तुम रो रहे हो ना उस टाइम भी आके तुम्हें संभाल लेना, वही होते हैं दोस्त। एंड जेन्युइनली बताऊंगा, ये जो चीज़ है, ये जो फेज है और ये जो बात है, इसको हम कभी और शेयर करेंगे इन फ्यूचर, आज नहीं कि इन फ्यूचर में तुम्हें बताऊंगा कि डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज का, वो कितना बुरा होता है। बहुत सारी चीजें होती है जो कई बार गलत हो जाती है, आदमी गलत जगह फोकस्ड हो जाता है। मैंने तो बहुत ज्यादा किया था, उस चक्कर में चीजें भी गंदे लगते हैं, आप अपने जो गोल्स होते हैं उनसे दूर होने लगते हो। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना है, अपने गोल्स पे फोकस्ड हो, क्योंकि चीजें आएगी और जाएगी, ये लाइफ है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन जब तक अगर आपके पास गोल्स नहीं है, बिना गोल्स के आप कुछ भी नहीं हो। गोल तो बनाने पड़ेंगे, गोल तो बनाने पड़ेंगे। लाइक ऐसा ही, आप घर से निकल गए, आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ पर है, और आप तो तुम भटकोगे, सही भटकोगे, बस कहीं नहीं जा पाओगे। बस जो भी करना है उसमें करते रहो, एक ना एक दिन धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप होता है, सक्सेस आदमी होता है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यही मोटिवेशन मुझे तब मिली थी जब मैं डिप्रेस्ड पड़ा था अपने रूम में, अपने आप को लॉक करके। जब मैंने डेली व्लॉग स्टार्ट किया था ना, उससे पहले मैं बहुत बुरे फेज में था, और मैं तब भी बुरे फेज में ही था। मुझे निकाला गया है, मैं निकला नहीं, मुझे निकाला गया उस फेज से, और आज तुम खुद देख लो 1K पे आ गया मैं। ये भी जरूरी होता है कि आप किस सर्कल में बैठ रहे हो, सर्कल का बहुत सर्कल छोटा बनाओ, लेकिन बेस्ट क्वालिटी, चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी अगर बंदे में है तो आपको वो हमेशा पुश करेगा ऊपर, कि आप कोई सी भी चीज में हो, आपको हमेशा ऊपर पुश करेगा, तो वो चीज होती है, बस वही चीज होती है। बस सही बंदों के साथ रहोगे ना तो दिमाग बिल्कुल सही चलेगा, और गलत बंदों के साथ लोगे तो फिर गलत चलेगा। तो वो कोई भी हो सकती है, आई डोंट थिंक कोई भी हो सकता है, सकती है कोई भी, अगर तुम सही के साथ नहीं हो, जो तुम्हारे एक्चुअली जो तुम्हारे ड्रीम्स के लिए सही नहीं है, जो तुम्हारे ड्रीम्स को समझता नहीं है, जो तुम्हारी लाइफ के लिए बिल्कुल क्या बोलूं यार, जब जब जो बंदा तुम्हारे ड्रीम्स को नहीं समझेगा, मतलब तुम्हें क्या ही समझेगा। तो वही है कि साथ उनको रखो जो आपको हमेशा आगे पुश करे, लेवल अप करने बैक करे, लेवल अप में मदद करे, ना कि वो आपका लेवल गिराए और आपका बहुत सारी चीज होती है डिस्ट्रैक्ट करे चीजों से। और खुशी में तो ना सब साथ रहते हैं, लेकिन जो गम में साथ खड़ा रह जाए ना, खुशी में बहुत लोग साथ होंगे, जब आप वही है असली पार्ट तो आपके बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग साथ खड़े होंगे, लेकिन बुरे वक्त में कितने साथ खड़े होते हैं वो वक्त बताता है। ये डोज में ना पता है रोज लेता था, ये 3 मंथ तक रोज लिए मैंने, और अब जाके आज तुम देख लो यार 1K जो इतने दिनों में नहीं हुआ, मेरे पूरा साल लगा दिया, पूरा साल मैंने मेहनत की। ये इजी नहीं होता है कि 0 to 1000 लगता है, हमारे लिए तो सपना है, लेकिन जो बंदे करते फील्ड में काम करते उन्हें पता रहता है। और ये हमारा मेरा टेक्निकल बंदा है, ये मतलब ये जो भी चीज होती है, जैसे मेरे आईडी में कुछ क्या बुरा हो गया, कुछ भी अगर मैंने कुछ गलत कर दिया आईडी को लेके, तो वो सारी चीजें ये बताता है मेरे, मुझे कुछ कंटेंट जो होते हैं ना उसको भी, वो सही कितने और गलत कितने, वो ये बताता है, नहीं बताता है। चैलेंज भी तो ये मैंने ही बोला था, ये चैलेंज वैसे मैं पता है ड्रॉप करने वाला था, वही जो फेस बता रहा हूँ ना मैं, उसके चलते मैं ड्रॉप करने वाला था। चैलेंज के लिए भी बहुत भसड़ हुई थी, बहुत बहुत करा जाए नहीं करा जाए। तुम शुरू के 5 व्लॉग्स देख लेना, तुम्हें मुझे वो देख के मुझे लगने लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा व्लॉग, और मेरे दोस्तों ने बोल दिया था कि अगर इस तरह, इसने तो बोल ही दिया था अगर इस तरह से व्लॉग करना ना बंद कर दे, कोई मतलब नहीं होगा, जिस तरह से मैंने वो 5 व्लॉग किए थे। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं ठीक हुआ, तब जाके इसको भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये सही कर रहा है चैलेंज लेके। और इस बंदे ने मुझे बिल्कुल इस चीज के लिए मना कर दिया था कि चैलेंज ड्रॉप मत करना, एंड तो इसलिए तो इसको टेक्निकल में, इसको हम टेक्निकल फील्ड में क्यों बोलते हैं, इसलिए तो बोलते हैं ये हमारे फोटोग्राफर में एक्शन, और ये हमारे टेक्निकल सारा था। मैंने इन्हें एक एक कचौड़ी खिलाने का वादा किया था कि मेरी तारीफ कर देना, चलो गाइस खिला दूंगा। पक्की बात है ना, खिलाएगा। और आपको ये यार रुक जा वीडियो बोला, पक्की बात भाई, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, अगर रिकॉर्ड हो गया आप वीडियो को वो कर, मेरे नेक्स्ट किसी डेली व्लॉग में अगर इतना कचौड़ी नहीं खिलाई, क्यों तारीफ कर रहे हैं ये लोग, तो पक्की बात मतलब एक तो तारीफ कर रहे हैं। भैया का वेबसाइट है, नाम है, अगर कोई भी हो तो आप डीएम मैसेज कर सकते हैं, इनका लिंक दे देंगे, इनका लिंक दे देंगे, थोड़ा कारोबार दीजिए, जरूरत है इनको, बहुत ज्यादा देखना पड़ता है, वेले बेरोजगार लोग है जैसे कि आप देख सकते हैं।
वैसे क्या शोएब पता शोएब ने हमें कोई कचोरी का लालच नहीं दिया है एक्चुअली, ये वो बंदा है जो जिससे अपनी तारीफ सहन नहीं होती बिल्कुल, बस वही बात है ना, ठीक है। मिनी हार्ट अटैक आ जाता है, मिनी किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है इसके, किडनी में हार्ट अटैक करूंगा इसको, करता ही नहीं कभी तारीफ, इसलिए तो इसलिए सुनने की आदत नहीं है ना, तो बहुत दर्द है गाइस इधर, बहुत दर्द है भाई। उसके भी कम दर्द कम नहीं है, दर्द बहुत है बेचारे के भाई, दर्द है ना, 50 दिल टूटे। देख मैंने तो इतनी बनाई नहीं है, मेरे तो एक में ही काम खत्म हो गया था। एवरी पीसेस लव एवरी गर्ल, हाँ नाउ ना शी ब्रोक हिम इन 50 पीसेस, नाउ एवरी पीस लव्स डिफरेंट गर्ल, है ना शोएब? कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा। So guys, I hope you like this video. If you did, make sure to subscribe my channel. See you in the next video. Till then, stay born to be awesome, baby. Born to be awesome, तो मैं हूँ। मैं born to be awesome हूँ, तभी तो 1K तक आए हैं। अभी तो आगे जाएंगे। साले बल्गर, बल्गर लोगों, बल्गर।